नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। गोंडा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कटरा बाजार विधानसभा के पूर्व विधायक वैजनाथ दुबे के नेतृत्व में बड़ी तादाद में सपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और नारेबाजी कर आवाज बुलंद करते हुए गौशाला निर्माण कार्य के तहत मनरेगा योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार की जाँच की मांग CBI से कराने की मांग की है। पूर्व विधायक वैजनाथ दुबे ने कहा कि कटरा बाजार सहित जिले भर में गौशाला निर्माण में शासन प्रशासन की मिलीभगत से जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। गौशालाएं में गाय मर रही हैं। गौशाला के चार दीवारी, तालाब व जीर्णोद्धार के नाम पर करोड़ों रुपए निकाले गए हैं। कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में गौशाला निर्माण के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसकी हम CBI से जांच की मांग के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। विधायक जी, आप लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है और क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि जो जनपद गोंडा में जो गौशाला निर्माण हो रहा है उसमें भारी पैमाने पर अनियमितता, तमाम जानवर मर रहे हैं, उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो बाउंड्री बना करके पैसा निकाल, चार चार पाँच पाँच करोड़ रुपया पैसा निकाल लिया गया, लेकिन उसका कोई निर्माण नहीं कराया गया है। कटरा बाजार ब्लॉक में मनरेगा योजना के अंतर्गत कई सौ करोड़ रुपये का घोटाला हो चुका है। नदी सफाई के नाम पर, तालाब जीर्णोद्धार के नाम पर, जिस जो सड़क पक्की बनी है उस पर भी इंटरलॉकिंग लगाई गई है। कई सौ करोड़ का घोटाला किया गया, उसकी CBI से जांच कराई जाए। इसीलिए मैं यहां पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा था, लेकिन जो है प्रशासन के द्वारा कोरोना वायरस का एक बहाना लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, उनके विधायक ये नहीं चाहते हैं कि हम जो है भ्रष्टाचार उजागर करें, इसलिए हमको परमिशन नहीं दिया है। स्वतंत्र देव सिंह आते हैं तो उनका जो है मीटिंग होती है, उनका जो है स्वागत होता है, तो उसमें कोरोना नहीं आता है। लेकिन जब हम लोग जनता की आवाज़ उठाते हैं तो उसमें कोरोना आ रहा है, तो इसलिए हमको ये परमिशन दिया गया कि आपके परमिशन हम निरस्त करते हैं, वहाँ कोरोना फैला है, इसलिए भीड़ इकट्ठा ना करें। तो इसलिए हम अनिश्चितकालीन ना करके आज केवल एक दिवसीय धरना करेंगे और इसको आस्थगित करते हुए हर गांव में हम जा करके ये धरना प्रदर्शन करके वो जितना भ्रष्टाचार हुआ है उसकी बात मैं सबको बताऊंगा और फिर इसके बाद मैं अनिश्चितकालीन धरने पर फिर बैठूंगा। भवानी भीख शुक्ला आय की, आय से अधिक संपत्ति की आप जाँच करती है, भवानी भीख शुक्ला है कौन, उनकी संपत्ति की जाँच? भवानी भीख शुक्ला 2010 में बहुजन समाज पार्टी से मिलकर के अपना आदमी जो है ब्लॉक प्रमुख बनवा लिए और फिर इसके बाद उसके प्रतिनिधि बन गए और 5 साल 2015 तक घोटाला किया और फिर इसके बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।